तो आपका एक बार दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं बताने वाला हूँ कि अभी फिलहाल में जो आशा वर्करों का 2500 रुपए मानदेय और 3000 मानदेय को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही थी शशि यादव को लेकर के और कौशलेंद्र कुमार वर्मा को लेकर के, तो शशि यादव के पास प्रूफ था कि हमने मीटिंग किया, हमारे पास प्रूफ है कि तेजस्वी यादव से मीटिंग किया और उन्होंने 2500 रुपए मानदेय तय कर दिया। उसके बाद लिखित पेपर भी जारी हो गया और उसके साथ साथ में 15 अगस्त के समारोह में तेजस्वी यादव ने भाषण भी दे दिया के 2500 रुपए आशा वर्कर को मानदेय हो गया है, जिसको देख करके सभी आशा वर्कर कौशलेंद्र कुमार वर्मा पे शक कर रहे थे कि ये सिर्फ बातें बनौती करता है और मतलब फालतू का बकवास करता है, ये कुछ भी मतलब 3000 मानदेय नहीं हुआ है, सभी को धोखे में रख रहा है। तो अभी फिलहाल में उनका एक सच सामने आया है कि उन्होंने लिखित पेपर ले लिया है और उनका भी एक सबूत आ गया है। तो सबसे पहले आप लोग को वो फोटोज दिखाते हैं जिसमें कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा तेजस्वी यादव के साथ और एक विधायक के साथ फोटो ले रहे हैं। तो जिस तरीके से शशि यादव वहां पे कार्यालय में जाकर के फोटो ली थी, उसी तरीके से यहाँ कौशलेंद्र कुमार वर्मा भी फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में एक सबूत है जो कि है लिखित पेपर 3000 मानदेय का। तो वीडियो को देखिए, वीडियो को थोड़ा सा मिस मत करना वरना आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। कल 6 बजे आवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री के आवास पर, उनके द्वारा जो बातचीत हुई है वार्ता में 2500 रुपया मानदेय एवं 500 रुपया देने पर भी आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह किए थे कि जब हम लोग आए तो आप जो कुछ न कुछ अंतर कीजिए, तो उसने कहा कि ठीक है 500 रुपया और हम देंगे, दोनों मिला के 3000 मानदेय होता है। लेकिन इतने और बोले थे कि हम नहीं जानते थे, हमारे विभाग के जानता तो आपको भी बुलाया जाता, अभी सरकार में शामिल हैं, सिर्फ यार हम लोग साथ दल के मिला कर चल रहे हैं। और तब जय बोले कि आप सरकार के आप भी संपर्क में रहिए और मिलते जुलते रहिए, हम किसी के विवाद में नहीं पड़ेंगे, हम तो सबसे मिलेंगे, हम उप मुख्यमंत्री हैं। और जो अपना जो पहले की बताए कि सरकार क्या है किसी सर्टन हो सबको आदर करता है, इसलिए हम लोग आग्रह किए विधायक जी कि हम लोग की आशा सब राज्य में इतना काम मिल रहा है, तो बोले कि ठीक है हम इस पर विचार करें, बहुत अभी है, तत्काल 500 और देंगे, इसके बाद 65 वर्ष के लिए वो भारत सरकार को लिखने के लिए बोले, बकाया पैसा के भुगतान के बारे में जिक्र किए, आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का मानदेय देने और वैक्सीन कोरियर द्वारा अलग से हम आग्रह किए इसको भी कहीं ना कहीं कर दीजिए, तो बोले ठीक है अभी वित्तीय संकट है लेकिन सरकार विचार करेगी। हम स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं देखते हैं जोड़ेंगे, हम जो भी बोल रहे हैं वहाँ पर RJD के दर्जनों विधायक थे, और जो है हम मानिए उपमुख्यमंत्री की आपके लाइव के माध्यम से उनको अगर कहीं पता चलेगा बोलते हैं तो उप मुख्यमंत्री से फिर पुनः मिलने वाले हैं। हम 500 के दावा करेंगे, 2500 के जोड़ के 3000 रुपया, और अभी जय उनके द्वारा अगर तत्काल हम पत्राचार करने के लिए हम विभागीय भी जाएंगे, मंत्री के पास भी जाएंगे, क्योंकि हमसे वादा किए मौखिक। तो अब आप लोग को पता चल गया है कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा गलत नहीं थे, ये सही थे, ये शुरू से ही आशा वर्करों के लिए लड़ रहे थे, और शायद शशि यादव जल्दबाजी नहीं करती तो आशा वर्करों का मानदेय और भी ज्यादा हो सकता था। अब इस लिखित पेपर में क्या लिखा हुआ है अभी तक वो वाला फोटो नहीं मिला है, वो भी आप लोग को जल्द मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो वो वाला वीडियो आप लोग को चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिख देना आशा वर्कर जिंदाबाद। तो आप लोग भी तैयार रहिए क्योंकि अब आशा वर्करों का मानदेय 2500 से 3000 रुपया होने वाला है। और जो लोग भी शक कर रहे थे कौशलेंद्र कुमार वर्मा पे, तो शायद अब उन लोग का शक भी दूर हो गया होगा इन फोटोज को देख करके। तो कौशलेंद्र कुमार भी गलत नहीं थे, शशि यादव भी गलत नहीं थी, दोनों ही लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दो नेता होता है जैसे कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी, उसी तरीके से आशा वर्करों के लिए दो गुट तीन गुट लड़ रहे थे अलग अलग। तो शशि यादव को अलग नेता मान लो और कौशलेंद्र कुमार वर्मा को अलग नेता मान लो, तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है इस चीज को लेकर के, क्योंकि दोनों का थिंकिंग दोनों का सोच मैच नहीं खाता इसलिए होता है। तो कौशलेंद्र कुमार
को सबको अब थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। 500 रुपए एक्स्ट्रा आशा वर्करों का अब बढ़ने वाला है। अब आगे जो भी अपडेट आएगा उस पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में 3000 रुपए मानदेय या फिर आशा वर्कर जिंदाबाद लिखना मत भूलना। तो फिर नए अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।